दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, या हमारी पावर बीआई की पेन ड्राइव ट्यूटोरियल हम कर सकते हैं इसको, पेन ड्राइव ट्यूटोरियल है क्योंकि आज ही मुझे एक रिक्वेस्ट आई है पेन ड्राइव क्रिएट करने के लिए, तो हमने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सेल और बीवीए की और एमआईएस की पेन ड्राइव तो दी, बट ये मेरी पेन ड्राइव क्रिएट होने जा रही है पावर बीआई के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पावर बीआई क्या है, कैसे, उससे पहले हम जानेंगे कि पावर बीआई को सिस्टम में इंस्टॉल आप कैसे करेंगे। जी हाँ, पावर बीआई को सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो उसके लिए अगर आपको powerbi.microsoft की साइट पता है तो उसको डायरेक्ट चले जाइए, या फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, गूगल बाबा के पास तो सब कुछ पता है ना सर। पावर बीआई यहाँ पे आप सर्च करेंगे, सर्च करते ही यहाँ पे आपको डेटा विजुलाइजेशन यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ऐसे और भी फेक होते हैं जैसे पावर बीआई के चैनल, उस पर मत जाइएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा पावर बीआई, यहाँ पे powerbimicrosoft.com पे आप जाइए और यहाँ आप इस पर क्लिक कीजिए। तो इसमें दो चीज पड़ेगी, सबसे पहले तो इसकी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, ये चीज़ को जान लीजिए। तो इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप प्राइजिंग पे या फिर ट्राई फ्री पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ आप डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड फ्री का ऑप्शन होने के बाद ये आपको स्टोर में भेज देगा, ध्यान रखिएगा क्या कहाँ भेज देगा, स्टोर में भेज देगा, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, फिर स्टोर से डाउनलोड होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे देखिए करेगा लर्न अबाउट पावर बीआई डेस्कटॉप, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डाउनलोड फ्री पे क्लिक कीजिए और ये आपका डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। असी डाउन एक मिनट दिक्कत और है कि आप यहाँ डाउनलोड पे भी क्लिक करते हैं तो आपको भेज दे रहा है किस पे, स्टोर पे। अरे हालांकि स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है वहाँ से डाउनलोड करने में। तो यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपके सामने आ जाएगा पावर बीआई 64 बिट में है या फिर इसमें पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये क्या है, हर चीज़ चेंज होते रहता है ना, तो सर इसलिए जब मैंने डाउनलोड किया था डायरेक्ट हो गया था, इसलिए मैंने आपको तरीका बताया। तो फिर से तरीका समझ लीजिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पावर बीआई पे आएगा, यहाँ पे स्टार्ट फ्री या टाइम ट्राई फ्री किसी पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड फ्री होगा, अगर डाउनलोड फ्री पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ये आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भेज देगा, ऐसा मत कीजिए क्योंकि ऐसा करते हैं तो आपका ये स्टोर ओपन हो जाता है। तो हालांकि आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं बट ये साइन इन वगैरह माइक्रोसॉफ्ट आईडी वगैरह मांगने लगेगा, तो ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, यहां पे लर्न अबाउट पावर बीआई डेस्कटॉप, इस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे दिख रहा था सी डाउनलोड और मोर लैंग्वेज ऑप्शन, उस पर जाइएगा। उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि लैंग्वेजेस दिख जाएगा, तो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट होता है और यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा कौन सा चाहिए आपको, डाउनलोड 64 बिट चाहिए या फिर आपका 32 बिट चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपको इंस्टॉल कर ले तो आता होगा क्योंकि पावर या बीआई आप सीखने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने तो ऑब्वियसली आपको आता ही होगा, इसके लिए कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, सिंपल जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर नॉर्मली इंस्टॉल करते हो वही आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन पावर भी यूज कर रहे हैं तो आपके पास इसका लॉगिन आईडी भी होना जरूरी है। जी हाँ, लॉगिन आईडी भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ट्राई फ्री पे जाते हैं, यहाँ साइन इन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन इन एंटर फोर आ रहा है, अगर आपके पास नहीं है, नहीं साइन इन नहीं साइन अप करना था हमें, तो ट्राई फ्री पे हमने क्लिक किया, स्टार्ट फ्री ट्रायल, जी हाँ ये आ गया आपका। तो यहाँ पे आपको जो है साइन इन बनाने के लिए आपको इसे एक्सेल ऐट द रेट मैंने यहाँ पे डाला आईपीटी
क्योंकि यहाँ पे कंपनी आईडी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे गलती से ईमेल आईडी डाल दी, क्या बोलते हैं, आईपीटी इंडिया, मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे दिल्ली 123 आईपीटी दिल्ली, है ना, आईपीटी दिल्ली 123, और यहाँ पे मैंने कर दिया @gmail.com, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपको जब भी मांगता है कंपनी की आईडी ही मांगेगा। यहाँ दिख रहा है दैट लाइक द पर्सनल ईमेल एड्रेस, एंटर योर वर्क एड्रेस, वी कैन कॉन्टेक्ट अदर कंपनी, आई डिड नॉट वरी, शेयर द एड्रेसेस विद एनीवन, गॉट इट। अब इसमें आपको बोलेगा कंपनी का आईडी डालने के लिए। अब यहाँ पे आपको कंपनी की आईडी डालना है। मेरे पास जैसे कि kumar@iptindia.com तो ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये देखिए यहाँ पे वी आर यूजिंग, ऑलरेडी इजली, तो इसमें आपको जो है पहले आईडी क्रिएट करना होगा। अब मेरे पास एक मिनट में कोई एक और आईडी, बिजनेस आईडी में क्रिएट करता हूँ, रुक जाइए, तो आपको आईडी क्रिएट करना बता ही देता हूँ, क्योंकि आईडी क्रिएट करना जरूरी है। तो मैं, मेरे पास आईडी क्रिएट करने का ऑप्शंस है, तो मैं एक बार क्रिएट करता हूँ आईडी। तो ये आपकी आईडी, इस पर आईडी क्रिएट, अब आईडी क्रिएट क्यों करना है, क्योंकि क्या होता है कि पावर बीआई में आप रिपोर्ट वगैरह बना लेंगे, बट इस रिपोर्ट को आपको शेयर कहाँ करना है, शेयर करने के लिए लोकेशन तो चाहिए। अगर आपको शेयर करने के लिए लोकेशंस नहीं है तो कैसे होगा, क्योंकि शेयर के लिए लोकेशंस तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि आप पब्लिश जब, क्योंकि इसको आप पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हैं या फिर पावर बीआई के फॉर्मेट सेव कर, लेकिन अगर आप किसी को शेयर करना है या फिर आपको डाउनलोडिंग लिंक तैयार करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास होना चाहिए आईडी, क्योंकि फिर वो वेब वर्जन पे जाएगा, वहाँ से आपको शेयर करना होगा, तो आपके पास उसकी आईडी होनी चाहिए। तो मेरे पास तो एक ऑलरेडी बनी हुई है, आप लोगों को दिखाना है कैसे बनाया जाता है। तो मैं एक बार आता हूँ मेल पे, मैं एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करता हूँ, ये मेरा पोर्टल है जहाँ से मेरी वेबसाइट्स और ईमेल्स हैंडल होते हैं, तो स्लो वर्क करता है। मैं एक बार ईमेल आईडी, तो ये एक ईमेल आईडी और मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट ईमेल, इसमें मैं डाल देता हूँ एक्सेल, @iptindia.com पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, जो सब पासवर्ड में जी पासवर्ड कन्फर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मेल बॉक्स भी खोल लेता हूँ, मेल बेम मेल, बेम मेल, तो अगर आप हमारे स्टूडेंट बनेंगे, अगर आपके पास कंपनी की आईडी आप नहीं डाल सकते, कंपनी में बाहर का मेल नहीं है, क्योंकि ईमेल आईडी पे है आपको कोड आता है, तो आपके अगर आप अपने होम पीसी में इसको करना चाहते हैं और कंपनी की आईडी आपके पास है,
तो फिर कंपनी की मेल को एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि फिर वो पासवर्ड आपको भेजेगा, तो पासवर्ड क्योंकि ओटीपी भेजेगा, तो ओटीपी यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसका ध्यान आप रखिएगा कि अगर आप कंपनी का आईडी यूज करते हैं, लेकिन आप हमारे स्टूडेंट बनेंगे तो हम आपको अपनी तरफ से एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा लर्निंग, जब तक आप लर्न सीखेंगे तब तक। इस आईडी को डालता हूं अपने ब्राउजर में। तो यहां पर लिखता हूं पावर बी आई एट द रेट IPT। देखिए, तो डिड यू गेट ईमेल एड्रेस फ्रॉम द कंपनी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ईमेल आईडी आएगी और इस ईमेल आईडी के ऊपर कोड होगा, उस कोड को आपको यहाँ पे आपको एंटर करना। यस करते हैं, जैसे कि आप यस करेंगे आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ सुजीत कुमार, यस हो गया है नाम का स्पेलिंग, और यहां पे पासवर्ड डालना है। वेरिफिकेशन कोड, तो चलिए वेरिफिकेशन कोड के लिए हमारा ये मेल खोलते हैं, इसमें देखते हैं मेल आया कि नहीं आया। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि मेल मेल रहते ज़्यादा आउटलुक में कनेक्ट होते हैं जहाँ पे फास्ट वर्क करते हैं, बट ये ब्राउजर पे थोड़ा स्लो सा वर्क करता है। ये हमारा पावर बी आई का मेल आ गया। और ये वेरिफिकेशन कोड है हमारा, इस वेरिफिकेशन कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं पावर बी आई वाले सेक्शन में, यहाँ पे इसको डाल देते हैं और फिर यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पीपल से आपके कंपनी में जितने भी पर्सन है उसको इनवाइट करने के लिए बोलते हैं, मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह हाँ मेरा पावर बी आई का प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। ये हमारा पावर बी आई का वेब पोर्टल आया। अब ये तो हमने लॉगिन क्रिएट कर, उसके बाद हम चलते हैं पावर बी आई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। पावर बी आई सॉफ्टवेयर को हम यहां से ओपन करते हैं। तो पावर बी आई से ओपन करेंगे, हालांकि मैंने लॉगिन कर रखा है, लेकिन आपके पावर बी आई जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ और दिखेगा, इस तरह से चीजें नहीं दिखेगी। तो आप जैसे ही पावर बी आई की लॉगिन करेंगे, मैं यहाँ से एक बार लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से।
डेटाबेस सर्विसेज अकाउंट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग का साइन आउट। तो जैसे साइन इन, यहां पे आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। जैसे आप पावर बीआई को ओपन करेंगे बिना साइन इन के, जैसे मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूं फिर इससे ओपन करता हूं। अब एक बार मैं पावर बीआई को मैं एक बार ओपन करता हूं वापस, जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। तो जब आप साइन इन नहीं करेंगे तो आपके पास पावर बीआई का इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। एक जो आपके रिसेंटली यूज किए गए डेटा, या आप डायरेक्ट यहां से डेटा कर सकते हैं। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि आप डेस्कटॉप वर्जन में साइन इन करें, जरूरी नहीं है साइन इन करना, यहां पे जरूरी नहीं है। और यहीं से ट्राई फ्री करके आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे ट्राई फ्री करके आप अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, यहीं से अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले किया है। तो आपको पावर बीआई सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे अगर आपको साइन इन करना है आपको, तो यहाँ पर उससे पहले बता देता हूँ कि कुछ यहाँ पे जैसे न्यू अपडेट्स होंगे, पावर बीआई ब्लॉग्स होंगे, उसके फॉरम होंगे, ट्यूटोरियल्स होंगे। तो पावर बीआई भी यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और बाकी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके पहले आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। तो मेरा था यहाँ पे कि पावर बीआई एट द रेट ipt.india.com, मैंने यहां पे साइन इन पे क्लिक किया। अब मुझसे पासवर्ड पूछेगा। देखिए, जब साइन इन कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, इसका ध्यान आप रखेंगे। अब साइन इन करते हैं, यहां पे देखिए मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह आ जाएगा। सुजीत कुमार सिंह आ गया। जी हाँ, इस तरह से आपका नाम आपके सामने आ जाएगा। ये आपका पावर बीआई का प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले आपको पावर बीआई को सेटअप करना होगा, और सेटअप करने के बाद ही अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब इसमें हम जो भी काम करेंगे, जो भी हम डेटा ऐड करेंगे, वो हमारा वेब पे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और यहाँ से हम अपने फाइल को चारों तरफ जहाँ भेजना चाहे वो सारे चीज़ें भेज सकते हैं। जी हाँ, यहीं से। तो ये चीजें हमारी पावर बीआई के नया सेटअप से, या माय वर्क स्पेस हो गई, यहीं पे आप कर सकते हैं। ये मेरी पेन ड्राइव की पहली वीडियो थी, और हमारी पेन ड्राइव की वीडियो एवरेज 20 से 30 मिनट की होती है, मैं आधे घंटे के आसपास होती है, लेकिन जो कभी कभी रिपोर्टिंग वाली वीडियो ज्यादा लंबे टाइम की भी हो सकती है। तो ये पेन ड्राइव की हमारी पहली वीडियोज है। अगर आप हमारे पेन ड्राइव की बुकिंग करना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। पहले अभी 500 रुपये की डिस्काउंट है, ऐसे पेन ड्राइव की प्राइस 2500 होगी, लेकिन अभी आप बुकिंग कर लेते हैं तो डेली बेसिस पे आपको हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे उसकी वीडियोज आपको मिल जाएगी, और जैसे पेन ड्राइव बनेगी आपको पेन ड्राइव भी आपको मिल जाएगी, और अभी आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट आप मुझे कॉल कीजिए और मैं प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह से आप बुकिंग कर सकते हैं पावर बीआई की पेन ड्राइव की। ये तकरीबन एक महीने के अंदर में पावर बीआई तैयार हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू।